समय था जब मुजफ्फरनगर की काली नदी लोगों के लिए वरदान मानी जाती थी, लेकिन वही काली नदी अब लोगों के लिए अभिशाप बन चुकी है। ये नदी मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर और मेरठ में और अन्य जिलों में बहती हुई है। कुछ साल पहले ग्रामीण इलाकों के लोग इस नदी के पानी से खेती करते थे, जानवरों को नहलाते थे, लेकिन आज उसी नदी का पानी लोगों की जान ले रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। काली नदी का पानी दूषित। काली नदी में बह रहा कैंसर का पानी। जिले की जीवन धारा काली नदी हुई मैले। जलीय जीवों के लिए जानलेवा हो गई काली नदी। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये कोई गंदे पानी से भरा नाला नहीं है, ये नदी है। वही नदी जिस नदी से तकरीबन 20 से ज्यादा गांव के लोगों के घर घर तक पानी पहुंचता है। लेकिन आज हम आपको मुजफ्फरनगर के ऐसे गांव की दास्तां बताने जा रहे हैं जिसको सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि इस गांव में काली नदी के दूषित पानी के दुष्प्रभाव से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। ये गांव मुजफ्फरनगर के रतनपुरी थाना क्षेत्र का डबल गांव है, जहां पर काली नदी के पानी से लोगों में कैंसर जैसी घातक बीमारी फैल रही है, जिसमें कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो गांव के काफी लोग कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं। अब से पहले ये जो काली नदी थी लोगों के लिए वरदान मानी जाती थी, किसानों की आबादी का एक जरिया मानी जाती थी, लेकिन इस वक्त अब ये किसानों की आबादी नहीं बल्कि बर्बादी की वजह बन चुकी है। कैसे सब कुछ हुआ, कब हुआ? मैं तो जब से पुल बना, जब से यहाँ पानी नहीं आया इसमें, और मंत्री विधायकों को सबका प्रोग्राम कर लिया है, किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी। काला पानी आ रहा है, इससे कैंसर हो रहे, लोग बीमार हो रहे, सुनवाई कोई कुछ कर नहीं रहा। कितनी उम्र आपकी? 66 है, 67 साल है। तो कभी इसमें देखा होगा आपने भी कि कभी शुद्ध पानी आता था? बढ़िया, बहुत। अब क्या ऐसा कारण क्या हुआ जो इतना शुद्ध पानी आ रहा है? ये तो पुल के बनने से बाद में पानी नहीं आ रही थी, इसमें गंगनार का पानी आवा था, बिल्कुल साफ रहा था। ये जो दूषित पानी आ रहा है, कहाँ से इतना दूषित पानी आ रहा है? इसके मुजफ्फरनगर की फैक्ट्री आ रहा, और कहाँ से आ रहा? तो अब क्या क्या नुकसान इस काली नदी के हैं, क्या इस पानी से क्या क्या नुकसान हो रहे हैं? पानी से सारे नुकसान है, ये तो सब बीमारी फैली सारे गाँव में, गवान में। आस पास की अमेरिका की टीम आई थी, उनका पानी चेक करवाया था मैंने कई गाँव का, नदी के किनारे। क्या क्या बीमारी फैल रही है? कैंसर की बीमारी है, सांस की बीमारी है, बुखार उखार सब, तो सारी बीमारी बढ़ती जा रही है। देखिए अन्य युवा भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अभी तक कितने लोगों को कैंसर हुआ है और कितने लोगों की मौत? कितने का तो जो है हमारे गांव में जो है गला भी कट गया कैंसर की वजह से, डेथ हो गई, मतलब जो बहुत परेशानी आ रही है इसमें। तो इसकी शिकायत आपने स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों से और नेताओं से की थी? जब यहाँ पे मंत्री या कोई भी आता है वोट मांगने के लिए, जब तो कह देते हैं कि छुटवा देंगे इसमें, फिर कोई कुछ नहीं कर रहा था इसमें। जब कभी हमारे बुजुर्ग थे, बहुत अच्छा पानी आया रहता है इसमें मुंह दिखा रहता था पानी में, लेकिन आज इस नदी की हालत देख लो, इतनी बेकारी हो रही, जो इसके पास में खड़ा होता है वो भी दूर भाग जाता है। लगभग कितने लोगों की मौत अब तक इस काली नदी के दुष्प्रभाव से भी होगी? हमारे गाँव में तो करीबन 5-6 तो होली होगी बाबा, दसों से भी ज्यादा होली। हाँ जी, कितने लोग अब वर्तमान में पीड़ित हैं इस कैंसर की वजह से? पीड़ित हमारे गांव में करीब 20-25 आदमी हो रहे हैं। तो पानी पीने का जो पानी होता है जी, उसकी कैसे आप लोग व्यवस्था करते हैं, कैसे कहाँ से व्यवस्था? सरकार ने जो आर ओ की व्यवस्था करी थी यहाँ पे, लेकिन वे भी नहीं चल पाती। हमारी जो यहाँ LED या TV कुछ भी चलाते हैं, उनमें भी वायरस फैलता है इससे, वे भी चल नहीं पाते। करीबन जो है 15-20 दिन में ठीक करा के लाओ, 15-20 दिन में ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, लगातार जैसे चुनाव आते हैं, विधानसभा के चुनाव आते हैं, लोकसभा के चुनाव आते हैं जी, तो क्या इन जो ये मुद्दा है जी, ये समस्या है आपकी, क्या चुनाव में आप लोग इसको मुद्दा नहीं बनाते? तमाम जो जनप्रतिनिधि आते हैं, तमाम मुद्दा बनाते हैं, इतने वोट चाहती है, इतने तो मतलब मुद्दा भी सारी बात करते हैं। जिस टाइम बन जाते हैं, फिर यहाँ पर कोई नहीं आके देखता कि यहाँ के लोग मरते हैं, जीतते हैं, क्या होता है, बस वोट चाहती है, बन जाते हैं अपना, फिर कोई नहीं देख पाता। अच्छा ये बताइए, आप ये बताइए, बच्चे जो बच्चे होते हैं, बच्चों पर भी क्या इसका प्रभाव पड़ता है? यहाँ मतलब कि सभी परेशान है सर, जानवर हो, बच्चे हो, कोई भी हो, बच्चों पर है, पेड़ पौधे तक भी, मतलब कि सभी परेशानी है। फसलों का क्या होता है? फसलों का क्या होता है, जो आसपास के खेत होते हैं, जो लोग फसल उगाते हैं, फसल यहाँ पर उगाते हैं, तो उन फसलों पे क्या प्रभाव होता है इस पानी का? मैं खाली जारी आ रहा है इसमें, और तो कुछ है ना, नुकसान ही नुकसान है इसका। पेपर मिल है, उनका पूरा केमिकल आता है यहाँ, पेपर मिल में सबसे ज्यादा केमिकल लगता है सर,
वो सारा केमिकल इसमें आ रहा है, और जितने भी बूचड़ खाने मुजफ्फरनगर के अंदर उनका सबका पानी इसमें आता है। तो इसकी शिकायत जब आप अधिकारी सारे में कर रखी, कोई नहीं छोड़ता, सब जगह कर रखी, मंत्री जी को भी कर रखी, मुजफ्फरनगर भी गए ट्रोली ले लेके भी, लेकिन कोई नहीं छोड़ता, कोई भी सुनता नहीं सर। अब तुम, मैं बताऊँ आपको, ट्रोली लोहे की खड़ी कर दो तुम यहाँ पे जोड़ के, एक साल में उस ट्रोली को लेके नहीं जाने के, टायर रह जाएंगे बस, वो गड़ का खत्म हो जाएगी। लोहे पर भी इसका प्रभाव होता है, देख लो, लोहे तो दिख नहीं रहा आपको। इसकी साथ ही खतौली फ्लाई ओवर बना था उसका, उसकी रीलिंग देख लो, जू की तू यार, यो रीलिंग देख लो आप, ये तो सबूत है उसकी रीलिंग जू की तू यार, यो गड़ के खत्म हो ली। ये देख लो पुल की भी हालत जर्जर हो रही है। देखिए अन्य लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानकारी हासिल करते हैं। क्या नाम है आपका? ओमकार। दादा ये बताइए, आपके समय में कैसी नदी का पानी कैसा हुआ करता था, और कैसे आप यहाँ पर रहन सहन था आप लोगों का? हमारे समय बहुत बढ़िया पैंट था, साफ सुथरा, बिल्कुल चांदी का पैंट था, पीवे थे इसमें, गाँव में वहाँ से पानी पीवे थे, लेकिन जब से पानी बंद हुआ, जब से पुल बना, जब से कम बंद हुआ। ये 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 जो समस्या है, ये समस्या आपके अकेले गांव की है या आसपास के तमाम गांव की? सब गांव की, जितने भी गांव सबकी ऐसी है, सभी की ऐसी है, जितने भी गांव सबकी ऐसी है। काली नदी का प्रकोप इतना फैल गया है कि लोग जिंदगी और मौत की जंग हर रोज लड़ते हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि दूषित पानी की वजह से गांव के लोहे के सामान भी खराब हो रहे हैं। ग्रामीणों ने नदी के पानी की सफाई के लिए कई बार अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन अधिकारी हाथ पर हाथ रखे बैठे हुए हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों ने विधायक, सांसद और कई नेताओं से भी मदद की गुहार लगाई, लेकिन नेताजी अपनी चमचमाती गाड़ी से आते हैं, चीजों का मुआयना करते हैं और ग्रामीणों को आश्वासन देकर अपनी एसी गाड़ी से वापस चले जाते हैं, लेकिन अधिकारियों के लगातार हाथ पैर जोड़ने के बाद भी काम नहीं हो रहा। न्यूज वॉच इंडिया की टीम पहुंची है मुजफ्फरनगर, और मुजफ्फरनगर की उस काली नदी के बारे में हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। जो काली नदी कभी लोगों के लिए वरदान हुआ करती थी, लेकिन वही काली नदी अब अभिशाप बन चुकी है। लगातार उसी काली नदी के दुष्प्रभाव से लोगों की जान जा रही है। अब देखेंगे तस्वीरों में किस तरह से यहाँ पर जो एक काली नदी है, इसका पानी पूरी तरह से दूषित हो चुका है, और यहाँ पर स्थानीय लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और इसी काली नदी के दुष्प्रभाव, काली नदी के इस पानी के दुष्प्रभाव से लगातार स्थानीय लोगों में बीमारी पनप रही है। तो वहीं इसी काली नदी के किनारे बसा एक गांव है डबल, जहां पर काफ़ी लोगों की मौत कैंसर से हो चुकी है, तो काफ़ी लोग कैंसर की बीमारी से जूझ रहे हैं। लगातार तमाम स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत तमाम स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों से, कई जनप्रतिनिधियों से किए, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं यहां पर जो ये आप देखेंगे, मैं कहूंगा कैमरा में से दिखाएं किस तरह से जो ये नदी है पूरी तरह से अब जहरीली नदी हो चुकी है, और इस काली नदी का जो पानी था कभी शुद्ध हुआ करता था, तमाम जो लोग थे वो इस काली नदी के पानी में नहाते थे, इस पानी में स्नान करते थे, पानी पीते थे और इस पानी को यूज़ करते थे, लेकिन आज इस नदी का पानी पूरी तरह से पानी नहीं बल्कि जहर बन चुका है, जिसके चलते कई लोगों की, आसपास के लोगों की यहां पर कैंसर की वजह से मौत हुई है, कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। वहीं कई लोग इससे पीड़ित हैं, लगातार काढ़ा पीलिया, कैंसर व अन्य तमाम गंभीर बीमारियां इस नदी के पानी से हो रही हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई शासन की तरफ से या प्रशासन की तरफ से नहीं की गई है। इस छोटी नदी में लगातार पानी की जगह जहर बह रहा है, यानी जहरीला पानी बह रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर तमाम जो स्थानीय लोग हैं वो लगातार यहाँ पर इसको, पानी को सहन कर रहे हैं, इसके दुष्प्रभाव को सहन कर रहे हैं। कई बार स्थानीय अधिकारियों से शिकायत की है, कई बार जनप्रतिनिधियों से इसकी शिकायत की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब देखना यही होगा, क्या ये जो समस्या है, क्या अधिकारियों के संज्ञान में आने पर कोई कार्रवाई की जाती है या नहीं। मैं तस्लीम राणा, न्यूज वॉच इंडिया, मुजफ्फरनगर। तो देखा आपने, ये उन ग्रामीणों की पुकार है जो लगातार प्रशासन और नेताओं से काली नदी की सफाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय नेता और प्रशासनिक अधिकारी ग्रामीणों का दर्द तो सुनते हैं, उनको भरोसा तो देते हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। देखा आपने किस तरह से काली नदी का पानी दूषित होता जा रहा है।
काली नदी में बह रहा है कैंसर का पानी। किस तरह से कैंसर से लोग पीड़ित हो रहे हैं। जिले की जीवन धारा काली नदी हुई मैली, जो कभी पूजनीय थी आज वो मैली हो गई है। जलीय जीवों के लिए जानलेवा हो गई है ये काली नदी। काली नदी का पानी लगातार दूषित होता जा रहा है, जिस पर प्रशासन से लगातार सवाल भी उठाए जा रहे हैं। काली नदी में बह रहा है कैंसर का पानी, जिले की जीवन धारा काली नदी हुई मैली। बता दें, जलीय जीवों के लिए जानलेवा हो गई है ये काली नदी, जो पहले कभी वरदान हुआ करती थी आज वो जानलेवा बन गई है। काली नदी का पानी दूषित, किस तरह से काली नदी का पानी दूषित होता जा रहा है, किस तरह से इस पानी में कैंसर बह रहा है, किस तरह से देखते ही देखते काली नदी का ये पानी लोगों को अपने आप में ही लपेटता जा रहा है, किस तरह से समेट रहा है। बता दें, काली नदी का ये पानी लोगों को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझने को मजबूर कर रहा है। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मुजफ्फरनगर से तस्लीम राणा जी जुड़ गए हैं। तस्लीम राणा जी, क्या कहा जाए इस पूरी खबर को देखकर, क्या कहा जाए काली नदी के दूषित पानी को लेकर? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा आपको, जिस तरह से आपने तस्वीरें देखी, तस्वीरें बड़ी भयावह है। तो ऐसे में तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरह के हालात आज उस नदी के हो गए हैं, जिस नदी में कभी लोग अपनी यानी जीवन यापन करते थे, जिस नदी के पानी से वहां पर पशुओं को नहलाते थे, तमाम जो आसपास के खेत थे उनमें फसलें उगाते थे। लेकिन आज देखते ही देखते किस तरह के हालात यहाँ पर, जो फैक्ट्रियों का पानी है, तमाम मिलों का पानी है, इसके उस पानी के मिश्रण से किस तरह के हालात इस नदी के हो गए हैं, यहाँ पर देखा जा सकता है। लगातार इस नदी के पानी के दुष्प्रभाव से लगातार जो कैंसर, डायबिटीज व काला पीलिया, अन्य तमाम जो घातक बीमारियां हैं, वो लगातार इस काली नदी के पानी से पनप रही हैं। और ऐसे में जो तस्वीरें हैं, तस्वीरों में खुद पानी बयां कर रहा है कि कितना जहरीला पानी है और कितना हानिकारक हो सकता है, कितना स्थानीय लोगों को नुकसानदायक हो सकता है। काला पानी बह रहा है, ये किस तरह से देखा जा रहा है तस्वीरों में कि किस तरह से काली नदी दूषित हो गई है, जो कभी वरदान हुआ करती थी आज वही अभिशाप बन गई है। इस पर प्रशासन क्या कोई देख नहीं रहा है? प्रशासन इस पर सवाल नहीं उठा रहा? बिल्कुल, देखिए बताना चाहूंगा, जब हमने इस समस्या को लोगों के बीच, समस्या को लेकर पहुंचे, लोगों की समस्याओं को जाना, तो वहां पर जो तमाम स्थानीय लोग थे, उनका यही कहना है कि कई बार इसकी शिकायत स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों से की गई है, कई बार इसकी शिकायत तमाम जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है उनसे की गई है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, सब कुछ यहाँ पर झिलमुल है। वही यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं, लगातार इस नदी के दूषित पानी से परेशान है, दुखी है, बार बार शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ऐसे में योगी सरकार लाख दावे और वादे गंगा सफाई को लेकर, तमाम जो नदियां हैं, बड़ी बड़ी गंगाएं हैं, नहरें हैं, तमाम सफाई अभियान को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो तमाम सरकार के दावे और वादे हैं, यहाँ पर तो खोखले साबित हो रहे हैं। जी तस्लीम, ये भी बताएं कि ये नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कहाँ तक जाती है ये नदी, क्योंकि लोगों को जाहिर तौर से इस नदी से काफी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए ये नदी मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, मेरठ, अन्य तमाम जो आसपास के जिले हैं इनसे होकर गुजरती है, और वहीं बता दें पश्चिम यूपी के एक मुख्य नदी मानी जाती है, जो तमाम जो किसान है, जो किसान लोग होते हैं, तमाम किसान इसके किनारे खेती उगाते हैं, खेती करते हैं, गन्ने की खेती, गेहूं की खेती, तमाम जो मुख्य फसलें हैं उनको यहाँ पर उगाया जाता है, क्योंकि पश्चिम यूपी खेती का एक बड़ा इलाका है जहाँ पर खेती किसान करते हैं, और इसी नदी का काफी किसान लाभ भी उठाते थे, शुद्ध पानी का लाभ उठाते थे, लेकिन अब ये पानी पूरी तरह से उनकी जो स्थानीय किसान है, आसपास की जो नदी के किसान है, उनकी फसलों को भी बर्बाद कर रहा है, पूरी तरह से जो ये पानी है पूरी तरह से प्रभावित उन फसलों को कर रहा है। और वहीं ऐसे में कहा जा सकता है कि पश्चिम यूपी के लिए ये नदी पूरी तरह से अभिशाप बन चुकी है। जी तस्लीम, इस काली नदी के पानी से लोगों को किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? देखिए बिल्कुल, ये काली नदी का दूषित पानी है, इसकी वजह से मैं आपको बिल्कुल तमाम वो अब जानकारी वो जानकारी दूंगा जो धातल की जानकारी है। यहाँ पर जो दूषित पानी है, दूषित पानी का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव कैंसर, काला पीलिया और अन्य तमाम घातक बीमारियां हैं, जो लगातार लोगों के बीच पनप रही हैं।
और ऐसे में एक गांव जहां पर हम पहुंचे थे, डबल गांव, मुजफ्फरनगर का डबल गांव है, यहां पर हम पहुंचे थे और यहां पर जो लोगों ने बताया वो बड़ा भयावह है और चिंताजनक है। सरकार को भी इसकी चिंता करनी चाहिए, शासन और प्रशासन को भी उसका उसकी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि वहां पर लगातार लोग कैंसर से पीड़ित हैं, कई मौतें हो चुकी हैं और कई लोग अभी भी कैंसर की वजह से जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। और वहीं बता जा यही वही स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि जो गहने होते हैं लोहे की, जो गहन लोहे का सामान हो या फिर चांदी या सोने के गहने हो, वो भी इसके पानी से पूरी तरह से काले पड़ जाते हैं। आदमी यहाँ के स्थानीय निवासी उनके रंग रूप पर भी इसका प्रभाव पड़ने लगा है, तो कहीं दांत खराब हो रहे हैं तो कहीं तमाम जो स्थानीय लोग हैं उनके चेहरों पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। खाद खुजली तो इसकी मुख्य बीमारी हो चुकी है। जी, दूषित हो रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है, कहां से किस तरह के चीजें रिलीज की जा रही है, किस तरह के रासायनिक पदार्थ कहां से सबसे ज्यादा रिलीज किए जाते हैं जिसकी वजह से काली नदी लगातार दूषित देखी जा रही है। देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा, ये जो ये पानी कहीं ना कहीं जिस तरह की जो फैक्ट्रियां हैं, तमाम जो नील हैं, उनका ये जो दूषित पानी है उसका मिश्रण इसमें हो रहा है, जिसकी वजह से ये पानी पूरी तरह से दूषित और बर्बाद हो चुका है। क्योंकि लगातार जिस तरह से बड़ी फैक्ट्रियां, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया में जहाँ से होकर नदी गुजरती है, तो वहां पर जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं पानी का उसमें मिश्रण होता है और उसी पानी दूषित पानी के मिश्रण से ये जो नदी का पानी है पूरी तरह से दूषित हो जाता है, जिसके कारण ये पूरी नदी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और पूरी तरह से अब काली नदी नहीं बल्कि जहरीली नदी बन चुकी है। तस्लीम, प्रशासन की तरफ से उन कंपनियों पर, उन फैक्ट्रियों पर प्रतिबंध किसी भी तरह के नहीं लगाए गए हैं? देखिए, बिल्कुल, कई बार इसको तमाम कई चैनलों में से प्रमुखता से दिखाया, लेकिन इसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई इस पर होती नजर नहीं आ रही है। शिकायत कई बार स्थानीय लोगों ने की है, क्योंकि स्थानीय लोग लगातार परेशान और दुखी हैं, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो ऐसे में बड़ा सवाल या निशान है, आखिर शासन या प्रशासन इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि बड़ा ही गंभीर मामला है, बड़ा ही चिंताजनक चिंता का विषय है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं शासन या प्रशासन को जल्द इस पर कोई ना कोई ठोस निर्णय लेना चाहिए, तो कार्रवाई करनी चाहिए, उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए जो लोग कहीं ना कहीं पानी को दूषित कर रहे हैं, जिन फैक्ट्रियों से या तमाम मिलों के पानी से जिस तरह ये पानी का जो पानी है काली नदी का ये पूरी तरह से दूषित हो रहा है, उन पर भी शासन या प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, उस पर कोई ना कोई निर्णय लेना चाहिए, ताकि जो पानी है इस पानी को बचाया जा सके, इस पानी को दूषित होने से बचाया जा सके और लोगों की जिंदगी को बचाया जा सके। जी तस्लीम, जिस तरह से देखा जा रहा है काली नदी का पानी जो लगातार दूषित हो रहा है, जैसा कि आपने बताया कि ये एक चिंता का विषय है, इस चिंता के विषय पर क्या आपकी किसी प्रशासनिक अधिकारी से या विभाग के किसी अधिकारी से आपकी बातचीत हुई? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, इस पर हम भी तमाम प्रशासनिक अधिकारी से संपर्क करने में लगे हैं, कुछ ना कुछ ताकि वर्जन मिल सके और इस पर कोई कार्रवाई हो सके। अभी तक जो हमने बात की है, स्थानीय लोगों से हमारी बात हुई है और धरातल पर जानकारी हासिल की है, तो लोगों का यही कहना है कि इसकी शिकायत कई बार अधिकारियों से की जा चुकी है, कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों के सामने भी इस मुद्दे को रखा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आखिर वजह क्या है, क्यों इस पर कार्रवाई नहीं हुई है, कहाँ इसमें रुकावट आ रही है, क्या समस्या, क्या बैरियर यानी एक अवरोध हो रहा है, यानी रुकावट हो रही है, क्यों इस पर कार्रवाई नहीं हो रही, ये भी समझ से परे है। जी तस्लीम, जिस तरह से ये चीजें देखी जा रही है, प्रधानमंत्री भी बड़े बड़े वादे करते हैं गांव की विकास योजना को लेकर, उस तरह से साफ साफ देखा जा रहा है कि काली नदी का पानी जिस तरह से दूषित हो रहा है, इसका सीधा असर वहां की ग्रामीणों पर पड़ रहा है, ग्रामीणों को कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, क्या कहा जाए इस पूरी स्थिति को देखते हुए? बिल्कुल, देखिए, अगर इस तरह से इस नदी के हालात रहे, इस नदी का पानी दूषित किसी तरह से होता रहा, तो वो दिन दूर नहीं है जहाँ पर हालात बद से बदतर हो सकते हैं, लोगों को जिंदगी से हाथ धोना पड़ सकता है, लोगों को अपने अनमोल स्वास्थ्य से हाथ धोना पड़ सकता है, क्योंकि कहा जाता है हेल्थ इज धन, यानी स्वास्थ्य ही धन है, तो स्वास्थ्य ही धन है, तो स्वास्थ्य जब व्यक्ति का धन होता है, इंसान का धन होता है, तो वो कुछ अपने इस स्वास्थ्य को बचाने के लिए पूरा प्रयास करता है ताकि स्वस्थ रहे और तमाम जो चीजें हैं दुरुस्त रहे। लेकिन जब इस काली नदी के दुष्प्रभाव से जो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, तमाम जिस तरह के लोगों के आसपास के लोगों के रहने वाले
लोगों के जो स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव पड़ेगा जी, कहीं ना कहीं हालात बदतर कर देगा। और ऐसे में तमाम जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए ये नदी अब चिंता का विषय बनी है। और ऐसे में यहाँ पर तस्वीरों में खुद हम देख पा रहे हैं, तमाम जो धरातल की तस्वीरें हम न्यूज मीडिया पर दिखा रहे हैं, तो ये तस्वीरें खुद भी बयां कर रही है कितनी खतरनाक है और किस तरह ये तस्वीर ये जो दूषित पानी है किस तरह लोगों की जिंदगी पर प्रभाव डाल सकता है। ये आने वाली नस्लों के लिए, आने वाली जो आने वाली एक पीढ़ी है उसके लिए कहीं ना कहीं बड़ा हानिकारक साबित हो सकता है। यदि सरकार ने समय रहते इस पर कार्रवाई नहीं की, कोई कदम नहीं उठाया, तो ये कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों को मुसीबत में डाल सकता है और लोगों की जिंदगियां और भी ज्यादा ले सकता है जी। पर तस्लीम, यहाँ पर सोचने वाली बात एक ये भी है कि गांव के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम तरह की योजनाएं बनाते हैं। उन योजनाओं में से एक योजना ये भी है कि हर घर एक नल लगाने का उन्होंने ये जो योजना बनाई थी, जो वादा किया था, उसके बावजूद लोग इस काली नदी के पानी के इस्तेमाल को करने के लिए मजबूर हैं। क्यों स्थानीय लोग इस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? क्यों स्थानीय जो प्रशासन है, प्रशासन इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? देखिए बिल्कुल बिल्कुल आपने वाजिब सवाल पूछा जी। आप सही कह रही है कि ये मैं आपको बताना चाहूंगा, जो जो भी इस नदी के आसपास नलकूप है या तमाम किसानों के ट्यूबवेल है जहाँ से खेतों के लिए पानी निकाला जाता है, उन पर उन तमाम चीजों पर जिसका एक बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, जिसकी वजह से किसानों को कहीं ना कहीं यहाँ पर चिंता है और दुख है कि किसानों में, क्योंकि जहाँ जहाँ की तस्वीर है ये वो इलाका है जहाँ पर लोग फसल उगा रहे हैं, तरह तरह की खेती कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर इसका साइड इफेक्ट, इसका जो प्रभाव है, दूषित प्रभाव है, वो फसलों में जाएगा और यही फसल कहीं ना कहीं हमारे देश में जाती है, समाज में जाती है, राज्य में जाती है, तो ऐसे में इसका यहाँ का प्रभाव बड़े रूप में फैल सकता है और बड़े रूप में लोगों को प्रभावित कर सकता है। और वहीं लगातार स्थानीय लोग अब इसके लिए मजबूर भी हैं, क्योंकि जो लोग इसके किनारे इसके आसपास खेती उगा रहे हैं तो उन लोगों को कहीं ना कहीं ये मजबूरी बन चुकी है कि इसके जो आसपास का पानी है इसको यूज करना, यदि वो यूज नहीं करेंगे तो वो उनकी फसलें बर्बाद होती हैं और तमाम जो तरह तरह के हानि है वो उन्हें झेलनी पड़ती है, सहन करनी पड़ती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज से नहीं 30 सालों से इस नदी का जो पानी है पूरी तरह से इसी तरह दूषित धारा में बह रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर कोई कार्रवाई इस पर नहीं हुई है। तस्लीम, यहाँ पर एक सवाल ये भी बनता है कि ये पानी आखिर कितना वक्त हो गया इसको दूषित हुए, क्यों इस पर प्रशासन प्रशासन कोई कार्य नहीं कर रहा, कितना वक्त हो गया है इसको दूषित हुए? जी बिल्कुल, देखिए ये जब हमने स्थानीय लोगों से बातचीत की तो हमारे साथ कुछ लोग ऐसे भी शामिल थे जो काफी एजेड थे, यानी बुजुर्ग हो चुके थे, जिनके समय में ये नदी पूरी तरह से सूख थी और इसी नदी के पानी में वो स्नान करते थे और तमाम जो पशु थे उन्हें नहलाते थे। तो उनसे हमने जब इसके बारे में जानकारी हासिल की तो उन्होंने कहा कि कभी ये नदी वो नदी थी जहाँ पर हम इसमें स्नान करते थे, मुंह हाथ इसमें धो लिया करते थे और पानी भी इसका यूज कर लिया करते थे, लेकिन अब पिछले कई सालों से इस नदी की ना ही तो कोई सफाई की गई है, ना ही इसमें किसी अन्य नहर का या किसी भी अन्य नदी का कोई पानी डाला गया है ताकि उसके माध्यम से इसको साफ किया जा सके। तो पिछले काफी दिनों से ये नदी ठीक इसी स्थिति में बह रही है, इसी स्थिति में लगातार ये दूषित पानी बह रहा है। हालांकि एक बात इसमें ये भी है कि कुछ सालों पहले इस नदी में जब ये नदी का पानी दूषित हुआ करता था तो अन्य नदियों का पानी इसमें डाल दिया जाता था ताकि जो दूषित पानी है वो दूर हो जाए और लोगों की समस्या का निदान हो जाए, लोग स्थानीय लोगों की परेशानियों से परेशानी जो होती है वो दूर हो जाए। तो ऐसे में कुछ दिन के लिए पानी दूषित होता था लेकिन इसके बाद ये पानी पूरी तरह से फिर एक नॉर्मल स्थिति में आ जाता था, लेकिन अब पिछले कई सालों से ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिसके चलते इस पानी की हालत बदतर हो रही है जी। स्थानीय लोग तो तस्लीम देखिए इस नदी से परेशान है ही, उनको तो कई तरह की जानलेवी बीमारियों का सामना करना पड़ ही रहा है, लेकिन कृषि पर इस पानी का क्या असर पड़ रहा है, काली नदी का कृषि पर क्या असर पड़ रहा है, इसके बारे में भी जरा विस्तार से बताएं। बिल्कुल देखिए कृषि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इट इज अ राइट क्वेश्चन आपका, क्योंकि कृषि जो आसपास के इसका इलाका है, कृषि का इलाका है, वहां पर अगर इस नदी से पानी हम निकालकर कृषि खेतों में पानी पहुंचाते हैं तो उस खेतों में पानी पहुंचने पर पूरी तरह से जो फसलें होती हैं वो कहीं ना कहीं
इससे बड़ी प्रभावित होती है, बड़े रूप से प्रभावित होती है। अगर ज्यादा पानी इसमें डाल दिया जाता है खेतों में इसका, तो उसकी वजह से फसलें यानी फसलें खराब हो जाती है, फसलें बीमार हो जाती है, फसलों में बीमारियां फैल जाती हैं। तो इस तरह के लगातार जो दुष्प्रभाव है इसके देखने को मिल रहे हैं, स्थानीय किसानों को किस तरह की जो दिक्कतें हैं इनका सामना करना पड़ रहा है। जी ठीक है, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया तस्लीम। जिस तरह से देखा जा रहा है कि काली नदी का काला पानी, जिस तरह से हमने आपको आज इस किस खास प्रोग्राम बात सरकार की भी दिखाई कि काली नदी का काला सच किस तरह से अपने आप में ही लोगों को निगलता जा रहा है, किस तरह से काली नदी का पानी जानलेवा बनता जा रहा है, जो कभी एक समय में वरदान हुआ करती थी आज वो अभिशाप बन गई है। जहां किसी एक वक्त पे इस नदी की पूजा की जाती थी, पशु यहां पर नहाने आते थे, वहीं अब इस बीमारी, इस पूरी नदी से घातक बीमारियां जन्म ले रही हैं। कैंसर जैसी बीमारियों से स्थानीय लोग जो हैं वो पीड़ित हैं, उसके बावजूद प्रशासन के कानों तक जू नहीं रेंग रही। कोशिश हमारी यही रहेगी कि इस प्रोग्राम के जरिए प्रशासन के कानों तक ये बात पहुंचे और वो काली नदी को जल्द से जल्द साफ करने के बारे में सोचे, क्योंकि इस नदी से ना केवल स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही बल्कि कृषि पर भी इसका साफ तौर पर खासा असर देखने को मिल रहा है। किस तरह से फसलें जो हैं इस नदी के पानी से कितनी खराब हो रही हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से काली नदी का काला सच आपने आज देखा। फिलहाल की खबर में इतने, तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।